तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पावर फंक्शन को थोड़ा सा अपडेट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देखा था कि ए रेस टू द पावर, अगर आपको बी जनरेट करना है तो आप इसका मीनिंग ये समझते हैं कि ए पावर बी इज इक्वल्स टू ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बी टाइम्स। अगर मान लीजिए आपको ए पावर 10 जनरेट करना है तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 10 होगी, क्योंकि हमने 10 टाइम मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया है। और अगर हम ए पावर एन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। नाउ ये जो ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। और बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या हम एफर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल हम लें कि अगर मुझे मान लीजिए कि ए पावर 16 जनरेट करना है, तो जो अर्लियर मेथड है वो ये बताता है कि ए को ए से 16 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ए पावर 16 को ऐसे मान लें कि अगर हम ए पावर 8 कैलकुलेट कर लें और ए पावर 8 जो भी आए उसमें दूसरे ए पावर 8 को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि ए पावर 8 हम एक ही बार फाइंड करें तो ए पावर ए को ए पावर ए से ही ए पावर 8 से ही मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली अगर ए पावर 8 फाइंड करना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि ए पावर 4 कैलकुलेट कर लें एंड देन उसी को ए पावर 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा। एंड देन ए पावर 4 को हम ऐसा कह सकते हैं कि ए स्क्वायर हम फाइंड कर लें और इसको ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर लें। सिमिलरली ए पावर 2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप एक कर सकते हैं काम कि ए पावर 1 आप फाइंड कर लें और उसको ए पावर 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें। फाइन, तो इस तरह का जो आप प्रोसेस यूज करेंगे उसमें आप जो कंप्यूटेशंस कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, पहले आप कॉल कर लीजिए। मान लीजिए कि आप ए पावर 16 आपको फाइंड करना था, तो आपने कहा कि ए पावर 8 आप फाइंड करेंगे और ए पावर 8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो रहा है, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम अपोजिट ऑर्डर में इसको फाइंड करेंगे, नॉट कि फॉरवर्ड ऑर्डर में, क्योंकि हमें सबसे पहले ए चाहिए जिसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नंबरिंग है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नंबरिंग में तो पहले कहते हैं कि हम ए इंटू ए करेंगे, फिर ए स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए पावर 4 आ जाएगा मेरे पास, फिर ए पावर 4 को ए पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ए पावर 8 आएगा उसको ए पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस बार हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा। अगर मान लीजिए आपको ए पावर 32 कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते, पहले ए पावर 16 फाइंड करते और उसको ए पावर 16 से मल्टीप्लाई कर देते, उस केस में हमारे 5 मल्टीप्लीकेशन होते। तो अगर ए पावर 32 फाइंड करना है तो 5 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, ए पावर 16 फाइंड करना है तो 4 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, ए पावर 8 फाइंड करना होगा तो उस केस में हमें 3 मल्टीप्लीकेशन करने होंगे। अगर आप 32 को रिप्रेजेंट करें तो ये 5 2 रेस टू द पावर 5, 16 2 रेस टू द पावर 4 है, 8 2 रेस टू द पावर 3 है। इसका मीनिंग ये है कि जो 2 का पावर हमारा है हम उसी के थ्रू जो है ये फाइंड कर रहे हैं कि कितने मल्टीप्लीकेशन लगेंगे। तो जो 2 का पावर होता है, अगर मान लीजिए कि 2 पावर k इज इक्वल्स टू n, हम ये कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू लॉग एन, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए बेस 2 का, जिससे कि आपको लॉग एन अचीव होगा। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए बेस 2 का, सो 2 रेस टू द पावर k लॉग 2 बेस एन लॉग एन टू द बेस 2। ये जो k है एक्सपोनेंट पार्ट है, इसको हम इधर ले सकते हैं, सो k इंटू लॉग 2 टू द बेस 2, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग एन टू द बेस 2। यू कैन राइट लॉग 2 टू द बेस 2 एज 1, सो k इंटू 1 इज इक्वल्स टू लॉग एन टू द बेस 2 एंड फाइनली k इज इक्वल्स टू लॉग एन। यहाँ आपने ये फाइंड कर लिया है कि जो 2 का पावर है वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या अजम्पशन रहा कि जो नंबर हमारा है वो पावर ऑफ 2 है। ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर मेरा हो पावर ऑफ 2 ना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए पावर 15 कैलकुलेट करना है, तो ए पावर 15 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पावर मेरा है वो एक ऑड नंबर है, तो जो चूंकि पावर मेरा ऑड नंबर है इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले ए पावर 7 फाइंड कर लूंगा एंड देन ए पावर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक इसमें ए को एडिशनली मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे मुझे ए पावर 15 मिल जाएगा। और ए पावर 7 अगर जनरेट करना है तो मैं कैसे जनरेट करूंगा, ए पावर 3 और ए पावर 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक ए इसमें एडिशनली मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली अगर ए क्यूब मुझे फाइंड करना है तो ए पावर 1 फाइंड करूंगा, ए पावर 1 फाइंड करूंगा और एडिशनली इसमें ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 2 और 3 स्टेप में आपने इसको कर दिया। हालांकि जो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वो 6 हैं, बट यस 15 तो बिल्कुल ही नहीं है। तो
इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ए पावर 17 कैलकुलेट करना है। तो ए पावर 17 जब आपको कैलकुलेट करना है, तो 17 को कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि जो पावर इसका है वो ऑड है, तो हमने ए पावर 8 फाइंड किया, ए पावर 8 फाइंड किया और इसमें ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ आप ये देख सकते हैं कि जो ए पावर 8 है उसमें जो पावर है वो इवन है, तो इवन है तो हमको सिंपली जो पुराना वाला हमारा था पार्ट ए पावर 4 मल्टीप्लाइड विद ए पावर 4 को फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए स्क्वायर जो फाइंड करेंगे उसके लिए ए और ए फाइंड करेंगे और आपस में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या रूल बनाया कि अगर मेरा ए पावर एन अगर आपको फाइंड करना है, तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ए पावर एन बाई टू इन टू ए पावर एन बाई टू अगर हमारा एन इवन है। राइट, तो अगर एन इवन है तो ऐसा हुआ, और अगर मान लीजिए कि एन ऑड है तो उस केस में हम कह रहे हैं कि ए पावर एन बाई टू इंटू ए पावर एन बाई टू मल्टीप्लाइड विद एन अगर एन ऑड है। फाइन, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। 15 अगर मेरे पास एन की वैल्यू है या ये जो पावर है, तो जब आप इसका 15/2 करेंगे तो इंटीजर बाई इंटीजर डिविजन से आपको 7 मिलेगा। तो आपको ए पावर 7 फाइंड करना होगा, ए पावर 7, ये पावर 14 हो गया दोनों को मिला के, और एक ए अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज वैलिड फॉर दी ऑड नंबर्स। इसका एक बेस कंडीशन बना लेते हैं। बेस कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारा जो ए का पावर है वो 0 हो गया है, तो उस केस में ए पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। सो आपको पता है कि ए पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हमारा बेस कंडीशन की तरह से वर्क करेगा। और चूंकि हमने एक रिकर्सिव ऑर्डर ऑलरेडी लिख लिया है, इसलिए हम रिकर्सिव फंक्शन बेस का डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। एक एम्प्टी फाइल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे कोड सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको सी में भी कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन है सी और सी प्लस प्लस में। सो फाइन, अब हम एक पावर फंक्शन बना लेते हैं, और मान लेते हैं कि पावर फंक्शन में इंटीजर ए और इंटीजर एन पास हुआ है, जहाँ पे ए हमारा गिवन नंबर है जिसका पावर हमें फाइंड करना है, एंड एन इज दी पावर जो हमें फाइंड करना है, मतलब कि अगर ए पावर एन में ए इज द फर्स्ट नंबर और एन इज द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेस कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर एन इज इक्वल्स टू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे 1, और अदरवाइज हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर एन मेरा एन मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि एन इवन है, तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे पावर लोअर केस में लिया ए कॉमा एन बाई टू, और इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और मान लीजिए कि एन अगर ऑड है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये तो चलेगा ही एन बाई टू और एन बाई टू वाला, लेकिन एडिशनली इसमें एक ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में आप एक ए को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। रन करके इसको देखते हैं, एंड देन उसमें हम थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो रन करने के लिए सबसे पहले हम एक मेन लिख लेते हैं, और उस मेन में यूजर से इनपुट करा लेते हैं एक ए और एक एन, और फाइनली हम पावर फंक्शन को कॉल कर देते हैं ए और एन वैल्यूज के साथ में, जो कि पावर फंक्शन रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल एक्स में ले लेते हैं और एक्स को प्रिंट करा देंगे। आइए इसको रन करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले पावर का रिटर्न टाइप इंटीजर बना लेते हैं। फाइन, हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा गलत है, सीन वाला करेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 लिया और उसके बाद 11 ले लिया, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पावर है वो 2048 होगा। आप एक और नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, 3 raised to the power 481 होता है। नो, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हम इसमें करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ये रिक्वायर्ड इसमें है कि अगर मान लीजिए कि हमें पावर फंक्शन को हम ये कॉल कर रहे हैं और एक पावर फंक्शन को अगेन कॉल कर रहे हैं, तो सेम फंक्शन को दो बार कॉल करने का सेम स्टेटमेंट में कोई मीनिंग नहीं है, तो आप इसको प्री कंप्यूट करके रख सकते हैं। लेट्स से हमने p इज इक्वल्स टू कहा पावर a कॉमा n बाई टू, और इसी
पी को आप यूटिलाइज कर लीजिए। पी को यूटिलाइज आप कैसे करेंगे, यहाँ पे पी इंटू पी कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पी इंटू पी इंटू ए। मतलब क्या है कि अगर इवन है तो पी इंटू पी और अगर ऑड है तो पी इंटू ए। इस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर देते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं फिर से। पी रेज टू द पावर 5। सो आप देख सकते हैं कि 243, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप एक काम करते हैं कि हम बड़ा वैल्यू लेके चेक करते हैं, बड़ी वैल्यू लेट से फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 रेज टू द पावर 22 जनरेट करना है। सो आप देख सकते हैं कि इन फ्लैश इट इज प्रोड्यूसिंग द आंसर। एक बार और इस काम को करते हैं और इससे भी बड़ी वैल्यूज को हम पिक करते हैं। लेट्स से हम 4 रेज टू द पावर 34 जनरेट करते हैं। सो आप ये चेक कीजिए कि 4 रेज टू द पावर 34 आंसर 0 आ रहा है। इस आंसर 0 होने का ये मीनिंग है कि ये लिमिट को क्रॉस कर गया है इंटीजर की, इसीलिए आंसर हमारा नहीं दे पा रहा है। तो हमें अगर लिमिट्स को डील करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं वो आंसर हमारा आना चाहिए लॉन्ग या लॉन्ग लॉन्ग। तो एक काम करते हैं कि इस पी को लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं और जो इसका रिटर्न टाइप है उसको भी लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं और यहाँ पे जो कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं, कंप्यूटेशन के बाद जो आंसर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको भी लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। तो इससे हमारी लिमिट बढ़ जाएगी होपफुली। एक गलती हमसे हुई यहाँ पे, मैं केवल लॉन्ग लिया था, इसको लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं एंड हमने 2 डाला और 45 डाला इसका पावर। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा नंबर हमारा प्रिंट होके आ गया। तो लॉन्ग लॉन्ग के सपोर्ट से हमने ये इंश्योर कर लिया कि बहुत बड़े पावर्स भी जो है वो हैंडल लगा रहे हैं। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि जब हम 2 रेज टू द पावर 45 अदरवाइज करते तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती वो ऑर्डर ऑफ एन होती। इसका मतलब क्या है कि 2 को 2 से हम 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन है। मतलब कि अगर आप 2 के बहुत बड़े पावर जनरेट कर रहे हैं, लेट से हमने 2 का जो पावर जनरेट किया वो 2 रेज टू द पावर 1000 जनरेट किया, तो पहले 1000 मल्टीप्लीकेशन आपको करने पड़ते, लेकिन इस केस में आपको लॉग 1000 मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज इस तरह से करें कि मान लीजिए कि हम 2 रेज टू द पावर 1024 जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये होगा कि सिंपल मेथड से ऑर्डर ऑफ 1024 मतलब कि लगभग 1000, और इस मेथड से हमारे वाले मेथड से ऑर्डर ऑफ लॉग एन कंप्यूटेशन होंगे, मतलब कि ऑर्डर ऑफ 1024। 1024 2 का पावर 10 है तो ऑर्डर ऑफ 10। इसका मतलब यहाँ पे केवल 10 मल्टीप्लीकेशन ही करने पड़ेंगे। तो 1024 और 10 में आई होप कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये 100 टाइम्स फास्टर है ये वाली हमारी एल्गोरिथम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।